हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC और IRCTC के बारे में। दो बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, दोनों ही पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। वही अगर हम बात करें IRFC की, तो यहाँ पे आपको कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन नज़र आ सकता है, इसके ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो से रिलेटेड या फिर इसके आने वाले परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन कल का आपको नज़र आ सकता है। वहीं अगर हम बात करें IRCTC के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ अपडेट बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे फैसले लिए गए हैं IRCTC की तरफ से, जिससे हो सकता है आपको इनके बिजनेस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली देखने को मिली रही है, लेकिन हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेप से आपको और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें सुधरते हुए नज़र आ जाएंगी। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में पहले तो अच्छा खासा मूवमेंट था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आपको यहाँ पे डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। आज सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक और मिड कैप सारे इंडाइसेस में आपको गिरावट देखने को मिली है, पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो जिन भी स्टॉक्स में आप एंट्री लेना चाह रहे थे, आज एक सही टाइम था जिसमें आप कम लेवल पे एंट्री ले सकते थे। तो ओवरऑल मार्केट सिनेरियो आज ये देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो IRFC में भी आपको माइनस ही गिरावट देखने को मिली, जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रही है। 22.35 रुपये के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है, और यहाँ पे करीबन 0.45% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि आपको अमूमन देखने को मिली जाती है IRFC में। डायरेक्ट अपडेट के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आगे की चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि जो 28 से 30 के बीच में जो इनकी AGM की डेट निकल के आ रही थी, वो मैंने इनका जो सर्कुलर था वो भी आपको दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो AGM की डेट है वो बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, और जो इनकी 34th AGM निकल के आ रही है वो आपको कल देखने को मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको ये होते हुए नज़र आएगी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट जो है, जो भी इसमें डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी कंपनी के बेनिफिट्स के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे, उसका यहाँ पे इम्पैक्ट कल के मार्केट पे शायद आपको पड़ते हुए ना नज़र आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाइम देख पा रहे हो तो वो निकल के आता है करीबन 3 बजे के आसपास। तो जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे AGM में, उसका इंपैक्ट कल तो नहीं पड़ सकता, लेकिन अगर डिसीजंस अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे यूनिक कुछ डिसीजंस हैं जिसका इंपैक्ट अगर आप देखो तो शेयर प्राइस में पड़ेगा, तो वो आपको परसों के मार्केट में आपको IRFC में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहां से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है वो ये है कि यहां से AGM में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिसकी वजह से जो रुकी हुई ग्रोथ है IRFC में, वो यहां पे फिर से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी बहुत अच्छे रिटर्न्स अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने नहीं दिए हैं, जबकि ओवरऑल सिनेरियो इस पर्टिकुलर स्टॉक का बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आता है। चाहे आप किसी की रिकमेंडेशन के बारे में भी बात करो, तो वो भी यहाँ पे आपको 100% की रिकमेंडेशन निकल के आ रही है बाइंग की, तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे क्योंकि अंडर वैल्यूड नज़र आता है ये शेयर, और डिविडेंड भी प्रोवाइड कराता है। जो भी अच्छे अच्छे एनालिस्ट हैं उन्होंने भी इसको रेकमेंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक आपको जो मूवमेंट दिखने को चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। तो हो सकता है AGM में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जिसकी वजह से जो इसका रुका हुआ मूवमेंट है वो फिर से बढ़ जाए। तो ओवरऑल पर्टिकुलर अपडेट यही थी IRFC के बारे में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IRCTC के बारे में। IRCTC में अगर आज के मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करें, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट है, अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही थी, करीबन 2.5 से 3% तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखोगे, चाहे उसको आप प्रॉफिट बुकिंग कह लो या फिर थोड़ा सा मार्केट करेक्शन बोला जाए, तो यहाँ पे आप देखो तो थोड़ा सा ही तेजी में आज क्लोज हुआ है, और करीबन 0.79% की तेजी पर आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है।
3865 पर आज यहाँ पे आपको क्लोज होते हुए नज़र आ गया है। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिटर्न्स बहुत अच्छे दे रहा है। मैं डायरेक्टली जो यहाँ पे आपको एनालिसिस करके पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, वो मैं डायरेक्टली अब चार्ट के थ्रू बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न आप देख पा रहे होगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न फॉलो होता है। अगर हम 20 डेज का मूविंग एवरेज अगर हम ISETC में निकालें तो वहाँ से आप देख पा रहे होगे जब भी इसकी कैंडल्स इस पर्टिकुलर लाइन को टच करती है वहां से आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। और अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो वो पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिले ISETC के शेयर प्राइस में, क्योंकि जो पैटर्न कॉन्टिन्यूसली चलते जा रहा है वो आपको यहाँ पर फिर से नजर आ रहा है। और हो सकता है ये चार्ट पैटर्न की वजह से आपको फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट और देखने को मिल जाए। अब मैं आपको जो अपडेट निकल के आ रही है वो आपको बताता हूँ कि इन्होंने एक और यहाँ पे पैकेज स्टार्ट किया है जो कि काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है ISETC को। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ISETC ने एक नया पैकेज स्टार्ट किया है। 4 डेज का ये टोटल पैकेज आपको देखने को मिल रहा है। जो जगह निकल के आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी भुवनेश्वर, चिल्का, कोणार्क और पुरी। इन चारों अगर आप देखोगे तो जगहों पर एक प्रॉपर पैकेज दिया जा रहा है। इन चारों जगहों पर आपको यहाँ पे घूमने का मौका मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ISETC की तरफ से जो टोटल एक टूर पैकेज में आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो पर पर्सन की कॉस्टिंग है वो करीबन काफ़ी अच्छी खासी निकल के आ जाती है। और यहाँ पे अगर हम एक बंदे की कॉस्टिंग इतनी देखें तो वहीं अगर आप देखें प्रॉपर ट्रेन की तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम पैकेज आपको कॉन्टिन्यूसली ISETC निकालते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में आपको इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इनके जो क्वार्टर नंबर निकल के आएंगे उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे वैसे वैसे आपको नज़र आएगा कि जो इनका शेयर है जो अभी ऑलरेडी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है वो आने वाले टाइम में जो 5000 का टारगेट है वो टच करते हुए नज़र आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आप 1 साल तक के लिए भी टिकना चाहते हो ISETC जैसे शेयर में तो ये डेफिनेटली आप कोई सी भी लेवल पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टर्म का भी टारगेट देखो तो 5000 का टारगेट है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पता नहीं है वो कहाँ तक जाएगा, लेकिन अगर आप इससे पहले जो स्प्लिट की न्यूज़ भी निकल के आई थी उससे पहले भी अगर आप यहाँ पे इसमें एंट्री ले लेते हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। बाकी आप अपनी रिसर्च जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो को केवल नॉलेज पर्पस से ही लें। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।